रुपी एक महिला का अपहरण हो गया था, चंद्रशेखर रुपया कश्मीर में रुपया का अपहरण हो गया था। चंद्रशेखर जी को न गोली चलाना पड़ा न तोप चलाना पड़ा, केवल फोन ही हमारे नेता का काफी हुआ कि कई मिनट में छोड़ते हो, नहीं छोड़ते तो हो सकता है कि घंटा बीतने के बाद पाकिस्तान का स्वरूप सिंह बिकने वाला नहीं होगा। घंटे के भीतर, एक घंटे दो घंटे के भीतर जो है इतना बड़ा और इतना कम समय में साहस का परिचय देकर के हमारे नेता ने जो परिणाम लिया, अभी आज तक भारत की राजनीति में किसी भी नेता ने परिणाम लेने की स्थिति पैदा नहीं नहीं किया। तो मेरे भाइयों, सरहा बात नहीं है, ये साहस का ही परिचय है। तो राजा साहस भी होना चाहिए, राजा ईमानदार होना चाहिए, और दोनों गुण हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी में था, इसमें कोई दो राय नहीं। अंत में भाइयों, बहुत कुछ न करके राज साहब ने कहा चुकी आपका हम भी थे, कभी भी अच्छे को अच्छा कहना यह सामाजिक जीवन का धर्म होना चाहिए, हमेशा कहिए, चाहे जो भी दल कोई भी हो, हर दल में अच्छे लोग होते हैं और हर दल में खराब लोग। लेकिन सामाजिक, मैं तो कहता हूं मेरे भाइयों, जिस समाज का, जिस देश का शिक्षक और समाज सेवी भ्रष्ट हो जाता है, जिस समाज और देश का शिक्षक और समाज सेवी भ्रष्ट हो गया, उस राष्ट्र को पतित होने से कोई रोकने वाला दो ही प्रेरणा का स्रोत होता है, दो ही प्रेरणा का स्रोत होता है, दोनों का समाज गठन करता है, दोनों को देखता है, शिक्षक कैसे रहता है कैसे खाता है, और समाज सेवी कैसे रहता है कैसे खाता है कैसे बोलता है क्या समाज में करता है। इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि कल का स्वर्णिम भारत दिन बनाना है तो अपने ईमान और चरित्र पवित्र को कल का सुंदर भारत बन जाएगा। चित्र बनाने वाले कलाकार हो सकते हैं, लेकिन चरित्र बनाने वाला तो संस्कार ही होता है। भाइयों, दुनिया में सुपर कंप्यूटर भले बना डालो, लेकिन नौजवानों का करेक्टर यदि बढ़िया नहीं बना पाए तो कल का स्वर्णिम और मजबूत भारत बनने वाला नहीं। इसलिए मैं आज की तिथि पर अपने उच्च भाव से अमर आत्मा चंद्रशेखर जी को प्रणाम अर्पित करते हुए अपनी बाणी को यही। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। जगदीश राय, मैं बलिया का रहने वाला हूं। आज चंद्रशेखर जी का 12वीं पुण्यतिथि है। चंद्रशेखर जी हम लोगों के नेता थे और चंद्रशेखर जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम 500 लोग आए थे। क्या क्या विचार रखे गए लोगों ने अपने? चंद्रशेखर जी के बताए हुए रास्तों पर चलना, चंद्रशेखर जी के बताए रास्ते ये है कि चंद्रशेखर जी आज तक किसी के सामने झुके नहीं थे। वो अपने न तो उन्होंने जात का राजनीति किया, न धर्म का किया, न परिवार का राजनीति किया। वो ये सबसे अलग होकर के एक सिद्धांत की राजनीति की। इस पुण्यतिथि पर आप जनता को क्या संदेश देंगे कि चंद्रशेखर जी के किन आदर्शों को अपने माने और आगे प्रेरणा दें? चंद्रशेखर जी बराबर सच्चाई का उजागर किया करते थे। वो असत्य के सामने कभी झुकते ही नहीं थे, घुटना टेकते ही नहीं थे। अगर उनको घुटना टेकना होता तो अभी 2-4 साल और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर